तो दोस्तों ये है मेरी रमजान के बाद की बॉडी और मैंने ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश करा कि थोड़ा पेट भी गेन हो जाए और थोड़ा बैक साइड भी निकल जाए क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मेरे यारों, दोस्तों यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत अलग होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत से लोग मुझे मिले दोस्तों, बोले कि भाई वर्कआउट स्टार्ट करना है, वेट गेन कम करना है, वेट गेन करना है, लेकिन मैं उनको बोला कि भाई सबके लिए वर्कआउट लगता, तो भाई उन्होंने बोला कि यार टाइम नहीं मिलता। जिस जो भी बंदा मिला उसने यही बोला कि भाई टाइम नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि सब काम गेम करने के बाद में, अपने घर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद में, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद में टाइम कैसे निकलता है। तो दोस्तों मेरे यारो, मेरे प्यारो, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ब्लॉग को पूरा देखो। हम आज वर्कआउट का वीडियो बनाने वाले हैं, तो हम वर्कआउट करेंगे, टाइम भी निकालेंगे और बहुत अच्छा वर्कआउट करेंगे, क्योंकि वर्कआउट स्टार्ट करना है मुझे, इसलिए बॉडी को रनिंग मिलाना है दोस्तों। दोस्तों ये जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये मेरे घर से भी दिखाई देता है। हालांकि अभी यहाँ से भी वो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर होगा, फिर भी देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये तो रेती का ढेर है, क्योंकि इधर तुमको बताया था मैंने, इधर नदी भी है हथौड़े के पुल के पास, वहाँ से रेती काढ़ के इधर रेती का ढेर है। लेकिन वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो सातपुड़ा पहाड़ है, ये मेरे घर से दिखाई देता है दोस्तों। तो मेरे भाइयों, नंदुरबार तो तलौदा जाने वाले, मैं नंदुरबार से निकल के वाका चार रास्ते के आगे आ गया, लेकिन नंदुरबार तो वाका चार रास्ता रास्ता बहुत ख़राब है मेरे दोस्तों। और अभी हथौड़े का पुल जाऊंगा, वहाँ से तलौदा, लेकिन मेरे दोस्तों ये भी रास्ता थोड़ा ख़राब है, थोड़ा अच्छा है थोड़ा ख़राब है, तो आए धीरे धीरे आए और अभी जाते हैं तलौदा घूमते हैं। मैं तो अपनी मर्जी का मालक हूँ दोस्तों, जहाँ जाता हूँ मतलब जहाँ दिल में आया वहाँ पे चले जाता हूँ, अल्लाह रोज़ी दे देता है। क्या कर रहा मेरे दोस्त, लकड़ी कहाँ पे रहता, वाका चार रास्ता। तो दोस्तों ये जो एक मेरा भाई है, वाका चार रास्ता रहता, ये यहाँ से लकड़ी जमा करके लेके जाता है मेरा भाई जलाने के लिए ना मेरे दोस्त। और ये खेती है, ये गन्ने की खेती है ना, गन्ना लगाए ना पूरा दोस्तों, ये गन्ने की खेती है, बहुत बेहतरीन खेती दिखाई दे रही दोस्तों। तो मैं पहुंच चुका हूँ तलौदे के बाजार में और सेटअप गिटअप रेडी करके घूमना चालू है, तो 4 बजे तक के घूमेंगे और फिर दोस्तों यहाँ से निकलते हैं नंदुरबार के लिए। और हाँ, नंदुरबार के लिए निकल के एक तो इफ्तारी का करेंगे, बाकी इफ्तारी का तो कोई बंदोबस्त है नहीं आज, या फिर नहीं तो डायरेक्ट वर्कआउट करेंगे दोस्तों। वर्कआउट के लिए टाइम निकालना है आज कोई भी हालत में। ये कुछ मेरे भाई इस तरह से बजा रहे हैं, हालांकि मुझे पता नहीं क्यों बजा रहे, कुछ त्यौहार होगा उनका इसके लिए बजा रहे। और दोस्तों तलौदे की गलियों में घूमते हुए हम, और तलौदे की गलियों के अंदर में मुझे घूमना पड़ता है मेरे भाइयों। मेरे सब तलौदे के दोस्तार हैं और ये एक भाई को मैंने सुरमा लगाया, ठंडा है भाई एकदम ठंडा है, एक नंबर है। और अभी तलौदे के अंदर घूम रहे हैं और ये पूरा माल मैंने भाई को दे दिया बेचने के लिए, भाई बेच के देंगे ना पूरे पैसे। ये मेरा भाई मुझे पूरे माल के पैसे बेच के देने वाला है। ये है तलौदे का मेन बाजार, ये जो सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं पांच कंदिल और ये मेन बाजार है। शुक्रवार के दिन यहाँ पर बाजार भरता, जुमे के दिन। और मैं अभी आ चुका हूँ बुधवार, बुध का दिन है इसके लिए बाजार अभी ठंडा है, फिर भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं गलियाँ और बाजार दोनों घूमता हूँ दोस्तों, तो घूमते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ जाफर भाई के पास में, और जाफर भाई का लुक मैंने देखा आज बहुत हार्ड दिखाई दे रहा है, तो मैं बोला जाफर भाई बहुत हार्ड लुक दिखाई दे रहा है तुम्हारा। एक नंबर है जाफर भाई। हमने भी सोचा भाई सादिक भाई के देख के, सादिक भाई का लुक देख के
हमें भी वर्कआउट करने का शौक पैदा हो रहा है माशाल्लाह। बस सादिक भाई से कुछ हम इतना चाहते हैं कि भाई हमारे भी आप जैसी बॉडी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए तुमको है ना मेरा यूट्यूब चैनल डालेला है। ठीक है देखेंगे भाई। ओके। और अभी तलोदी की गलियां घूमना चालू है और मेरे दोस्तों अभी मैं आधा एक घंटा घूमूंगा क्योंकि 3:30-4 का टाइम हो गया। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से नंदुरबार के लिए, तो मुलाकात करते हैं दोस्तों नंदुरबार में। तो वार्म अप कर ले दोस्तों। तो मैंने तो वार्म अप कर लिया और पहला वर्कआउट जो होगा मेरा डिप्स का होगा। और इसके बाद दोस्तों डन वर्कआउट, जब भी स्टार्ट करता हूँ दोस्तों तो पहले बेसिक वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद जिम। तो डीसी सर पहला दिन।